एक तरफ बिहार में जहां इस बात को लेकर चर्चा है कि भाजपा तेजस्वी की सदस्यता, तेजस्वी की राजनीति सहित लालू प्रसाद यादव जैसी तेजस्वी की स्थिति करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, एमएलसी अब इस घेरे में फंस रहे हैं। खबर जो निकलकर सामने आ रही है गोपालगंज से, जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पर एफआईआर दर्ज हो गया है। भाजपा एमएलसी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बात की जाए तो बिहार में बीजेपी एमएलसी पर किसान की हत्या का आरोप लगाया गया है। एमएलसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला गोपालगंज जिले का है। किसान पुरुषोत्तम सिंह के मौत मामले में भाजपा के विधान पार्षद राजीव सिंह उर्फ गप्पू बाबू को हत्या का अभियुक्त बनाया गया है। कांड में 4 नामजद अभियुक्त भी हैं। गोपालगंज में किसान पुरुषोत्तम के मौत के बाद काफी आक्रोश है और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। घटना के पीछे जमीनी विवाद है। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 9 में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के धमकाने के बाद किसान पुरुषोत्तम सिंह की मृत्यु हो गई और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, जिसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। शनिवार को कांड के विरोध में जमकर हंगामा हुआ और बवाल हुआ। परिजनों ने खुलकर बीजेपी एमएलसी पर आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार हाजियापुर इलाके में वार्ड 9 में एक जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। बीजेपी एमएलसी वहां पहुंचे और अपने अंगरक्षक को आदेश देकर काम रुकवा दिया, मजदूरों को डांट लगाई। इससे किसान पुरुषोत्तम सिंह सदमे में आ गया। इधर बीजेपी एमएलसी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि विवादित जमीन पर हो रहे काम को रोकने के लिए कहा गया था, लोग नहीं मान रहे थे तो प्रशासन के अधिकारियों को हमने सूचना दी। उन्होंने कहा कि किसान की मौत से उनका कोई वास्ता नहीं है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस मामले में बताया कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस केस में बीजेपी नेता रमेश प्रधान, दुर्गा राय, विधान परिषद समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन को लेकर लगातार पुलिस अनुसंधान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर इस तरह का मामला दर्ज हुआ है और ये नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई मामले दर्ज हुए राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों पर गोली चलाने से लेकर कई तरह के मामले उन पर दर्ज हुए हैं। और ऐसे में एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद पर आरोप लगा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर अब चर्चा हो रही है, तेजस्वी ईडी और सीबीआई के जांच से घिरे हैं, वही भाजपा के नेता पर भी इस तरह का आरोप दर्ज हुआ है, तो ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एमएलसी हैं, उन पर इस तरह के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें अगर अनुसंधान होती है, वो दोषी पाए जाते हैं, तो आने वाले दिनों में उनकी सदस्यता को लेकर भी बातें आगे बढ़ सकती हैं। दरअसल 2 वर्ष से अधिक सजा हो जाने के बाद उनके राजनीतिक जीवन पर प्रतिबंध लग जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और कई तरह का प्रावधान है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।